रुक 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 के रुक के रुक के रुक। और भाई साहब ठीक हो? हाँ भाई साहब सब ठीक ठाक, आप सुनाओ। बस ठीक ठाक, बस कहाँ घूम रहे हो? अरे बस अभी ऑफिस से ही आया हूँ। और परिवार में सब ठीक है? एकदम बढ़िया। हाँ परिवार में भी सब ठीक ठाक है। चलो फिर मिलते हैं। हाँ आप तो ठीक हो? हाँ, सब ठीक है। सुनो। हाँ बोलो। तुम्हें पता है ना आज मेरा जन्मदिन है? अच्छा ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या हैप्पी बर्थडे टू यू, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट? अरे चल ठीक है, शाम को देखता हूँ। बात सुनो, जो नया फोन आया ना 1.5 लाख का, मुझे वो वाला फोन चाहिए। 1.5 लाख वाला? हाँ। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जानते हो 1.5 लाख रुपए? मैं 1.5 लाख रुपए का फोन कहाँ से लेके आऊँ? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे फोन चाहिए तो चाहिए। अरे मैं 1.5 लाख का फोन कहाँ से लेके आऊँगा? तुम्हें पता मेरी जो फ्रेंड है ना सीमा, उसके पति ने उसे 2 लाख का फोन दिया। मैं फिर भी तुमसे 1.5 लाख का मांग रही हूँ और तुम वो भी नहीं ला सकते? ये तुम अपनी सहेली की बात सुन सुन कर ना इस घर का नाश कर दोगी। तुम जानती हो 1.5 लाख रुपए कितने होते हैं? 1.5 लाख का फोन मैं लेकर आऊंगा? तुम तो ना चुप ही रहो, उसके पति की सैलरी ना तुमसे बिल्कुल कम है और फिर भी वो अपनी पत्नी की हर एक डिमांड पूरी करता है। तू जानती है उस पे कितना कर्जा है? उसको ना अक्सर लोग पकड़ पकड़ के पूछते रहते हैं, ओए मेरा पैसा कब दे रहा है? उसकी माँ बहन करते रहते हैं। तू क्या चाहती मेरे साथ भी ऐसा होए? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे फोन चाहिए तो चाहिए। चल ठीक है, मैं सोचूंगा कुछ। मैं यार परेशान हो गया। बस अरे आ बैठ भाई। और कैसे बैठा? अरे क्या बात, इतना उदास सा मुंह क्यों बना रखा, क्या हुआ? अरे यार कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सब खैरियत तो है, हमें बता दे यार कोई परेशानी हो तो। अरे यार शादी करके ना मैंने आफत मोल ले ली। अरे यार घरवाली ने कुछ कहा क्या? क्या बताऊं बस यार, पति पत्नी मतलब नोकझोंक चलती रहती है थोड़ी बहुत, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ये। चिंता की तो बात है। अरे यार अभी पिछले महीने उसको डायमंड सेट दिलवाया, चैन, अंगूठी, पर्स, यहाँ तक की स्कूटी, कोई ऐसी चीज नहीं जो उसके पास ना हो, लेकिन फरमाइश से पूरी नहीं होती उसकी। मैं तो दुखी हो गया। अरे ये सब तो पत्नी मांग नहीं करती है भाई, इन औरतों को भी लिपा पोती के बिना चैन नहीं है। अरे बात वो नहीं है यार। तो फिर क्या बात है? अरे यार यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब 1.5 लाख का फोन मांग रही है। तू ही बता कहाँ से लाके दूँ मैं उसे। है 1.5 लाख का? हाँ यार 1.5 लाख का। यार यार जो 1.5 लाख का फोन काम करता है वही हमारे 10-10, 20-20 हजार के फोन काम करते हैं, कोई इसमें नई चीज तो है नहीं। अबे यार अब कौन समझावे उसे ये बात। उसे पूछ ना, तू इतने महंगे फोन का करेगी क्या? बस अब यार घर में कलह मचा रखा, मैं क्या करूं? यार मुझे तो लगता है ना ये मेरा घर ही बिकवा के रहेगी। यार क्यों टेंशन लेता है, चल चला। सुनो। हेलो। क्या है? यार खाना तो दे दे। मैंने नहीं बनाया। खाना नहीं बनाया? तो चल ठीक है, एक कप चाय तो बना दे। मैं नहीं बनाने वाली। मैं नहीं बनाने वाली? अरे क्या हुआ, क्या है? सुबह क्या बात हुई थी, मेरा फोन लायो तुम? अरे अरे 1.5 लाख का फोन ऐसे ही आ जाता है क्या? तुम्हें पता होना चाहिए मेरे पे 1.5 लाख रुपए होने तो चाहिए। बात सुनो, मेरी फ्रेंड ना अपने पति से कोई भी डिमांड करती है उसके साथ के साथ पूरी होती है। मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं घर का कोई भी काम नहीं करने वाली जब तक मेरा फोन नहीं आएगा। देखो यार तू अपनी फ्रेंड फ्रेंड बार बार फ्रेंड की बात मत करा करो, समझे? देखो ऐसा करते हैं, चलो कोई बात नहीं, तुमने खाना नहीं बनाया ना, ऐसा है चलो बाहर खाने चलते हैं, ठीक है? बात सुनो, मुझे बाहर या घर पे कहीं भी नहीं खाना खाना, जब तक मेरा फोन नहीं आएगा ना तो मैं खाना खाऊंगी और ना तुम्हें खाने दूंगी। देखो यार मान जाओ, मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज मान जाओ ना। छोड़ो यार मुझे नहीं पता, मुझे फोन चाहिए तो चाहिए बस। देखो ऐसा है, अब तुम मेरा माथा घुमा रही हो, समझ रहे हो? मैं कहाँ से इतना महंगा फोन लेकर आऊँ तेरे लिए? मुझे कुछ नहीं पता, तुम ना चाहे घर को बेचो, चाहे खुद को बेचो, चाहे कुछ मर्जी करो,
चाहे अपनी किडनी तक भेज दो, मुझे फोन चाहिए चाहिए तो बस चाहिए। ओए, तूने ना मेरा एकदम बिल्कुल जीना हराम कर दिया। ऐसा है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ तेरे से, समझे? मैं तेरा इतना नखरा नहीं उठा सकता, हद होगी तेरी यार। कहाँ से मैं 1.5 लाख का फोन ला के दूँ? जो मर्जी करो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। फिर ठीक है, फिर ऐसा है ना, मैं ना जहर खा के मर जाऊंगा। जाओ जाओ मरो, जो करना करो, हद होगी यार। जूस कहीं का। अरे अरे भाई साहब, आज आप यहाँ कैसे हैं? ड्यूटी से आगे सीधा यहीं बैठ गए? अरे कुछ नहीं यार। क्या बात हुई, क्या घर में वो लड़ाई सुधरी नहीं अभी? भाई मैं बहुत परेशान हो गया, ये रोज रोज की किचकिच ना, ऑफिस जाता हूँ वहां किचकिच, घर आता हूँ वहां किचकिच, मेरी जिंदगी ना बस नर्क बन के रह गई। अब तो ना बस दिल करता है इसको ना जिंदगी को ही खत्म कर दूं, बस अब जीने को दिल नहीं करता है। क्या घर का मसला सुधरा नहीं अभी? नहीं यार, मैं तो बहुत दुखी हो गया हूँ, बस अब तो दिल करता है इस जिंदगी को ना बस खत्म ही कर दूं। और ये क्या है, क्या है ये? बस ये मेरे ना दुखों का इलाज है। या ये मुझको दे। यार तुम इतने समझदार आदमी होकर के एक जरा सी बात से हार गए। अरे इंसान को जीवन में न जाने कितने संघर्ष करने होते हैं, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस जीवन को जीने के लिए बड़े संघर्ष करने पड़ते हैं, और तुम एक परिवार से हार गए, एक औरत से हार गए। समझाओ उसको, आज अगर कांटे हैं जीवन में तो कल फूल भी आएंगे, वो समझ जाएगी अगर समझाओगे प्यार से तो। हम है ना, हम साथ देंगे तुम्हारा, और आओ मेरे साथ चलो, मैं भाभी को समझाता हूँ। यार तुम क्या समझाओगे, वो औरत ना कुछ समझने को राजी ही नहीं है। देखो ऐसा है मेरे भाई कि हम उसको अपने दिल से समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, वो समझेगी, अगर नहीं समझेगी तो आगे इलाज बहुत है। आओ मेरे साथ। अरे मैडम जी। अरे आप, हाँ जी नमस्ते, क्या हुआ? अरे आपने मुंह क्यों लटका रखा, क्या हुआ? आपको मालूम है आज क्या होने वाला था? क्या? ये देखिए। जहर? ये क्या? जी हाँ, ये आज अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाला था। जहर? मैं कुछ समझ नहीं, क्या हो रहा है ये? हाँ जहर, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता था, आज मेरे दिल से तुम्हारी इज्जत खत्म हो गई। मतलब? ये परेशान होकर घर से निकल गया था तुम्हें मालूम है, और ये आज जहर पीने वाला था, मैंने इसको बचाया। आदमी सुबह घर से निकलकर बाहर जाता है, पूरा दिन न जाने क्या क्या झेलता है, वो सिर्फ परिवार की अपनी खुशी के लिए, और आप जरा भी नहीं समझ सकती उसकी भावनाओं को। समझो, कद्र करो, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, फिर भी वो घर से बाहर जाएगा किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। सुबह से शाम तक बाहर धक्के खाता है आंधी और तूफान में, वो सिर्फ किस लिए? एक पत्नी की जरा सी मुस्कान के लिए, बच्चों की खुशी के लिए। पति का धर्म अगर घर को चलाना होता है, घर के लिए कमाई करना होता है, तो पत्नी का धर्म भी उसको सहारा देने के लिए होता है, उसको खुशी देने के लिए होता है। अगर पत्नी जरा भी खुशी ना दे पाए तो परिवार कैसे चल पाएगा? वो बैल की तरह कमाता है, वो कब तक चल पाएगा? एक दिन बैठ जाएगा। क्या हमारे भाई साहब ने कभी आपको किसी चीज की कमी आने दी? नहीं। अगर ये आज जहर खा लेते और कोई अनहोनी हो जाती तो कहां जाती आप? वो महंगे तोहफे और वो जिंदगी ऐसो आराम की कहां से जीती आप? परेशानी में अगर इंसान कोई गलत कदम उठा ले, कोई अनहोनी हो जाए तो क्या होता? पति पत्नी का रिश्ता तो एक निस्वार्थ भाव का रिश्ता होता है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, एक दूसरे को बिना कहे
समझने का रिश्ता होता है ये, और भगवान का लाख लाख शुक्र करो आज एक अनहोनी होने से बच गई। सुनो, आप मुझे माफ कर दो, मैं दिखावे के चक्कर में भूल ही गई थी कि आप कितनी परेशानियों को झेलकर मेरी हर विश पूरी करते हो। मैं आपके प्यार को समझ नहीं पाई, मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, देखो मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं तुम्हें हर खुशी लाकर दूंगा। मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। नहीं, मुझे कोई फोन नहीं चाहिए, बस आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, बस मेरे लिए अब परिवार की खुशी सबसे मायने रखती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे परिवार को बचा लिया। भाई साहब तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, मेरा फर्ज था ये। आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारा घर टूटने से बचा लिया। नहीं नहीं, थैंक यू से काम चलने वाला नहीं है, अब तो गर्मा गर्म हलवा और पकौड़े खा कर ही जाऊंगा मैं यहाँ से। जरूर जरूर भाई साहब, जरूर। जी हाँ जी हाँ।